सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल कलमा दे रूबरू च आप दा स्वागत है। अज दी इस महफिल च आपां कुलवंत सिंह विरक दी कहानी खब्बल सुनांगे। खब्बल ए कहानी पाकिस्तान दी है। पाकिस्तान बने नूं अजे 3-4 महीने ही होए सन। इत्थे हर शै उखड़ी उखड़ी लगदी सी। थाणियां चौंकियां विच समान दे ढेर लगे होए सन। ट्रंक, पलंग, पंगूड़े, मेज़, सोफा सैट, तस्वीरां सब आपो अपनियां थावां तों उखड़ के थाने आ गईयां सन। भला पंगूड़ियां ते तस्वीरां दा थाणियां विच की कम? कदी इन्हां दी घरां विच कोई खास थां होनी है। उस वेले घर वालियां दा ख्याल होना है कि जे ए उस थां तों बिना किसी होर थां रखे जाण तां बड़े कुझे लगण। पर इस वेले ए इत्थे एक ढेर विच पए होए सन। घरां दे भांडे अलमारियां परछत्तियां ते चौंकियां विच्चों निकल के सरकारी दफ्तरां दे सामने ढेर होए पए सन। इन्हां नूं हुण कदी किसे मांझिया लिशकाया नहीं सी, गिणिया नहीं सी। किसे इस्त्री मनुख दा हाथ लग्या भी कई महीने हो गए सन। पाकिस्तान विच हर शै उखड़ी उखड़ी सी। कईयां घरां विच अपनियां खुरलियां तों उखड़े होए डंगर भी सन। त्रुटियां होईयां अखां नाल उह दवालियों वेखदे ते ओपरियां थावां ते डर डर के पैर धरदे। इस उथल पुथल विच केवल धरती ही अपनी थां पक्की सी ते इस धरती उत्ते अनेकां उखड़े होए शरणार्थी रिड़दे फिरदे। वागे दे वड्डे कैंप तों इन्हां नूं अगां ठेल दित्ता जांदा ते फिरे शरणार्थी जिलियों जिले ते पिंडों पिंड पैदल जां गड्डियां विच जमीन दी भाल विच पौण लग पैंदे। शरणार्थी ते शरणार्थी पुराने लोक भी उखड़ गए सन। बरादरी वालियां दियां बरादरियां टुर गईयां सन ते यारां दे यार। मजदूरां दे मिल मालक चले गए सन ते मिल वालियां दे मजदूर। ते इन्हां सारियां दी थां नवें लोक आ गए सन। ए नवें लोक किस तरह दे सन? गंदे जिहे बौंतरे होए, पुराने लोकां नाल घुल मिल नहीं सकदे सन। सलाम अलैकुम आख कोल बैठ के गलबात नहीं करदे सन, सगों बूहे विच खलो के झाकदे रहिंदे। जे कवाओ भी तां वी ना कुंदे। इन्हां लोकां ने ते पिंडां दियां जड़ां हिला दित्तियां सन। पुराने वसनीकां नूं वी अपने पिंड ओपरे ओपरे लगन लग पए सन, क्योंकि ओह हुण उस तरह दे पिंड नहीं रहे सन जिन्हां विच्चों जम्मे पले सन। उन्हां दियां हवेलियां कोलों लंघदे नहरां रजवाहे भी बगाने हो गए सन। ओह उत्थों हुण वजू नहीं कर सकदे सन। कई दिन इन्हां नहरां दा पानी लाल आउंदा रहा सी ते कई साबत मुरदे ते कईयां दियां लत्तां बाहां रुड़दियां आउंदियां रहियां सन। इस पानी नाल हुण वजू किस तरह कीता जा सकदा सी? ओह ते अपने अनजाणियां नूं वी इन्हां विच नहाउण तों हटक दिंदे। असल विच हर शै उल्ट पुल्ट होई होई सी ते अपनी पुरानी हालत विच आउण दा चारा कर रही सी। हर शै अपनी अपनी थां नूं अड़ाण दी पैर जमाण दी कोशिश कर रही सी। हर चीज़ पुनर स्थापन मंगदी सी। मुल्क ते तबाह हो गया है। एक गभरू जट ने अपने आले दुआले दी उजाड़ वेख के अपने बुढ़े प्यो नूं कहा, हो ते है ही गया है,
पर आ वेखा दुनिया किधरे थाओ थाई बह जांदी ए ते सब खैर मेर हो जावेगी। ए ते एवें गल्लां ने बह इना विचारियां किथे जाना ए, ए ते ग्राई नहीं फड़ के अपने मूँह विच पाण जोगे। नहीं ओए कमलिया एवें जापदा ही है, आ वेखा खब्बल हुंदा ए पहली विच जदों वाही दीए कोई फर्क ते नहीं ना करीदा ओदे नाल, सारा जड़ों पुट पुट के पहलियों बाहर सुट्टीदा ए। पर दसां दिनां मगरों फिर कोई ना कोई तिड़ फुट आउंदी ए, ते महीने मगरों इस तरह जापदा ए जिवें पहली कदी किसे वाही नहीं हुंदी। असल विच किधरे किधरे इस बुढ़े दी गल विच सच्चाई दिस रही सी। जिन्ना लोकां नू जमीन मिल जांदी ओ कुछ टीक जेहे जांदे, कच्चियां अलाट होईयां पहलियां उन्हां दी रूह नू तरवास दिंदियां। अपने नवियां वाड़ियां दे नेड़े ओ निक्के निक्के टोए पुट के उन्हां विच गोहियां दी अग धुखाई रखदे, ते जदों जी करदा हुक्के ते रख के इकट्ठे बैठ के पींदे। सहजे सहजे उन्हां दियां मझां दा वी त्रौह लै जांदा। वाड़ियां दे अंदर ओ वणां दियां टाणियां नाल अपने सिंगां पिछले थां नूं खुरक करदियां, ते कदी मौज विच आईयां अपने पिंडे नूं वाड़े दियां कंधां नाल कसरदियां। जदों तहसीलदार जां कोई होर अफसर इन्हां नवें लोकां दे पिंड विच आउंदा तां उन्हां विचों कई अपने आप नूं पैंच जाहर करन दी कोशिश करदे। पिंड दे सांझे दुख तकलीफां ओ तहसीलदार नूं सुणाउंदे, ते इस तरह सारे लोकां दी प्रतिनिधता करके पिंड विच अपनी लीडरी दा मुढ बनदे। सधारण जिहियां गल्लां नाल जिवें लोकां नूं पछां बिठा के सिर्फ एक आदमी बोले कह के अफसर नूं हुक्का पाणी पुछ के ओ उसदा ध्यान अपने वल खिंचदे। इह गल्लां दसदियां सन कि इस धक्के ने भी उन्हां नूं असलों ठंडा नहीं किया सी। इहो जिहे उजड़ रहे वस रहे पाकिस्तान विच मैं भारत सरकार वल्लों लेजान अफसर मुकर्रर होया। मेरा कम तक्को तक्की उदालियां इस्त्रियां दे बदोबदी मुसलमान बनाए टब्बरां नूं छुड़ा के वापस हिंदुस्तान अपनाना सी। हिंदुस्तान फौज दा एक दस्ता ते पाकिस्तानी स्पैशल पुलिस दे कुछ सिपाही मेरी सहायता लई सन। होर गुम होईयां चीज़ां दे पालण वांगू कुड़ियां पालण दा कम औखा भी सी ते सौखा भी। कदी कदी ते कोई कुड़ी थोड़ी जिही मेहनत नाल ही मिल जांदी, ते कई वारी कोई कुड़ी बहुत पालण ते भी हाथ ना आउंदी। पाकिस्तान पुलिस वाले भावें उन्हां नूं मुड़ाण विच ओ इस नूं बरामद करना आखदे सन थोड़ी बहुत सहायता कर दिंदे, पर आप पता घट वध ही दिंदे। फिर भी जद कदी ओ दिलों होके नाल टुर पैंदे तां कम असलों ही सौखा हो जांदा। जिस वेर दी ये गल है उस वेर इलाके दा थानेदार ना केवल मेरे नाल ही तुरिया, सगों उधाली हुई औरत दा पता भी मैनू उसे नहीं दस्या। उसे भी दस्या कि औरत उसे थाने ते एक पिंड दे लंबरदार दी नूं सी। जिस पिंड असां जाना सी ओ पिंड पक्की सड़क तो बड़ी दूर सी। ढेर चिर असीं कच्चियां सड़कां ते पहियां ते खज्जल हुंदे रहे। जद असीं पिंड पड़े तां पिंड दे चौधरी थानेदार दे स्वागत लई इकट्ठे हो गए। पाकिस्तान विच उस वेले सरकार दा बड़ा रोब सी।
थानेदार ने उस औरत दा पता पुछया ता उन्ना चौधरियां ने झट उसनू एक कोठा वखा दिता। ये छोटा जिहा कोठा एक वड्डे सारे वलगण दे सिरे ते छत्या होया सी। थानेदार ते होर लोग बाहर ही रहे ते मैं इकला अंदर चला गया। ये कोई तीन कु मंजियां दा कच्चा कोठा सी। एक पासे लकड़ दी परछत्ती ते थोड़े जिहे गलास कौलियां थालियां पईयां होईयां सन। कमरे दी एक गुठे कुछ बिस्तरे ते थोड़ा बहुत होर समान भी सी। ओ तीवी मंजे ते पई होई सी। कईयां दिनां तो उसनू बुखार हो रहा सी। उस दे एक हथ ते पट्टियां बज्जियां होईयां सन, शायद कोई उठा उठिया होया सी। उस वेले ओ डाढे निडाल जापदी सी ते असलों हौली हौली बोलदी सी। मैं उस दी मंजी ते बैठ गया। की गल्ले, मैं उस दा हाल चाल पुछन लई सीधा जिहा सवाल किता। ताप चढ़दा ए चौथे पंजवें दिन दा? इत्थे तेरे कोल कोई जनानी नहीं? नहीं, नेड़े ते कोई नहीं। पहले जो खोईयां होईयां कुड़ियां तीवियां मैं वेखियां सन, उन्हां नालों इसदा चौगिरदा बिल्कुल वक्खरा सी। उन्हां दे दुआले बंदे जनानियां हुंदे सन। ओह किसे दी नज़र हेठ किसे दी राखी हेठ रहिंदियां सन ते इस तरह ही मैनू वेखाईयां जांदियां। मैनू इस तरह प्रतीत होया जिवें ओह इस कोठे विच इकली ही रहिंदी सी, जिवें लोकां ने उसनू अपने हाल ते ही छड्ड दित्ता होया सी। सगों इस तो भी वध जिवें लोकां ने उसदी सहायता की। उसदे पिंड ते घर वाले किस तरह खत्म होए ये मैं पहला ही सुन बैठा सा, फिर दूसरी वेर उसदे मूहों सुनन दा कोई फायदा नहीं सी। मैनू वधेरे दिलचस्पी उसदी मौजूदा हालत विच। इत्थे रहिंदिआं तैनू किन्ना चिर हो गया है? जिस दिन दा पिंड उजड़िआ है उस दिन तो इत्थे ही हाँ। ये भांडे ते कपड़े तैनू किस दित्ते ने? तां असलों कमले हो। मैं समझ गया ओ इकली नहीं रहिंदी सी ते ना ही इत्थे पिया समान उसदा अपना सी। इस कोठे समान ते उसदे जिसम दा मालक केवल अखी नहीं दिस रहा सी। ए गल इत्थे लिखन लग्या ते मैं सहजे ही लिख गया हाँ, पर उस वेले इस ज्ञान ने मेरे मन ते डाढा धक्का मारिया। पुलिस ते लोकां दी सहायता करके जो चंगे ख्याल मेरे मन विच दुनिया ते दुनिया दे लोकां बारे सारा दिन आउंदे रहे सन, ओ सारे मैथों पल्ला छुड़ा गए। मेरा मत्था कौड़ियां असलियतां नाल लगा होया सी। उस कच्चे कोठे विच खोही होई किसे दी वोटी मेरे सामने मंजी ते निढाल पई सी। मेरी नज़र विच इंसान उत्ते इंसान दे जुल्म दी ओ सब तो घिनौनी तस्वीर सी। मधोली होई खवार कीती होई ओ उत्थे बीमार पई सी। उसदी जात बरादरी पिंड धर्म दा कोई सांझे वाल उत्थे नहीं सी। उसनों कदी किसे ए नहीं दस्या सी कि ओ विछड़े होए अपने साका अंगानू फिर भी मिल सकती है। जे उसनों कोई दसदा भी तां ओ मन्नणो ना कर दिंदी। आखर इड्डे वड्डे ते तकड़े पाकिस्तान विच्चों उसनों कोई किस तरह कढ के ले जा सकदा सी? इस गल ते विचार करना ही फजूल सी। उसनों उसे वेले वापस ले जाण दा कोई सवाल नहीं सी। पोह माघ दी सर्दी विच उसनों बीमारी दी हालत विच उत्थों हिलाना ठीक नहीं सी।
ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਏ? ਜਰਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਲ ਪਈ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਏ ਤੇਰੇ ਗੋਚਰਾ। ਕੀ ਕੰਮ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਨਾਣ ਏ ਨਿੱਕੀ, ਰੁੜ ਗਏ ਯਾਰਾਂ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੀ। ਤੇਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੌਧਰ ਜਾਪਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਵਧੇਗੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਂਗੀ। ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆ ਵੇਖਾਂ, ਖੱਬਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵਾਹੀ ਦੇ ਐ ਕੋਈ ਕਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੈਲੀਓਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਈਦਾ ਏ। ਪਰ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਿੜ ਫੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੱਬਲ।